ये उच्च कोटि की साधना है, उच्च कोटि का मंत्र है। निश्चय ही इन दिनों में आपको एक अद्भुत और बीच बीच में अद्वितीय दृश्य, विराट स्वरूप और उच्च कोटि के ऋषियों के, मुनियों के, हिमालय के, उनके दर्शन होंगे ही, क्योंकि इसमें ऐसा होता ही है। न विचलित होने की जरूरत है, मगर स्नान करके ही आप या तो सुबह 4 बजे बैठे या फिर रात्रि को 11 बजे के बाद बैठे। छोड़ दीजिए। अब यंत्र और गुटिका अपने बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में। तत्रादु जलस्नानम समर्पयामि नमः। ओम वरुण श्योतम मनमसे वरुण समधी सौ वरुण श्यारण्य से वरुण मासीद। तत्रादु पयस्थानम समर्पयामि नमः। पयस्थानान्ते दधिस्थानम समर्पयामि नमः। दधिस्थानान्ते गतस्थानम समर्पयामि नमः। गतस्थानान्ते मधुस्थानम समर्पयामि नमः। मधुस्थानान्ते शर्करास्थानम समर्पयामि नमः। शर्करास्थानान्ते पयोदधि गतम चैव मधुशर्करायतम पञ्चाम देवस्य स्नानार्थम उद्गीताम। ओम पंच नद्या सरस्वती सरस्वती पंचदासो देशे पंचम स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु शुद्ध गंगा जल स्नानम। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिस्मिन् सन्निधि करो। ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टान्ते रवे तेन सप्तेन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर। तत्रादु पूर्ण जलस्नानं तायतो स्मानं शक्ति कल्याणतां पूर्णता सातुभ्यं संप्रदे। तत्रादु पुष्पगुच्छेन पचयामि। इसको पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य इसके ऊपर 7 कुमकुम की बिंदियां लगा दे। तत्रादु पूर्ण सूर्य आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु स्वम चंद्रमा सोमाय नमः आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्ण रूपेण निखिलानंदम आवायामि स्थापयामि नमः। पूर्ण चैतन्य रूपेण साम सच्चिदानंदम आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्णता प्राप्तादम पूर्णत्वम आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु ज्वलनशीलम प्रज्वलम ताम दिव्य नेत्र आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु श्री कृष्ण वेद व्यास प्रणीत भगवान सदाशिव तृतीय नेत्रम आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमे मन्दता प्रिया मधुघत अस्तौ घत स्वभानवो विप्रान विष्टयाम त्रिनक्षन समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धिनि मालत्यादीनि प्रो मया हतानि पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि नमः। निवेद्यान्ते पुंगीफलम दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। तत्रादु पूर्ण प्रदक्षिणायाम एतोस्मानम सकृते ताम दिविश्याम गुरुत्वम आवायामि स्थापयामि नमः। ओम गुरुम ताम भूवे वावा पूर्वा एतोस्मानम सा गुरु आवायामि आवो देवास आशिरो जगन्यासो भवामहे। गुरुत्वम स्थापयामि नमः। गुरुत्वे साम स्नानम समर्पयामि नमः। स्नानान्ते कुमकुम तिलकेन समर्पयामि नमः। गुरुत्वेन गुरु पूजा करवा रहा हूं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमः। एकदम वस्त्रम समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते साम अक्षमालाम समर्पयामि नमः। अक्षमालान्ते साम नैवेद्यम धूपम दीपम प्रज्वलितं साम पूर्णायतोस्मानम सातुभ्यम इदमर्चितं भोजोति पूर्णां विपरां प्रसपूर्णां पुनरापद मूर्धघुं शतक्रतोः सातुभ्यम इदमर्चितं भोजोति पुरुष्याम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सिद्ध योगीश्वर प्राप्ता निमित्तं मम स्व अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम सिद्ध योगी यति सन्यासी भवा।
तो आम चिंतम विचिंतम मां पूर्णता प्राप्त निमित्तम स सिद्धासन दिव्य दृष्टि सा विराट रूप दर्शया मम नेत्रे सा पूर्णत प्राप्तव्यम संपर्द दे तत्रादु मंत्रम विद्यात। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, बोलिए ओम सूर्य गृणीम गृणीम यम रीम क्लीम सम दिव्य नेत्र जागृय फट। थोड़ा जोर से बोलिए, ओम सूर्य गृणीम यम रीम क्लीम सम दिव्य नेत्र जागृय फट। ओम सूर्य गृणीम यम रीम क्लीम सम दिव्य नेत्र जागृय फट। वास्तव में ये उच्च कोटि की साधना है, उच्च कोटि का मंत्र है, और यह केवल दिव्य माला से, अन्य किसी माला से आप 5 करोड़ वर्ष तक मंत्र जाप करें कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। दिव्य माला से ही खड़े होकर के नित्य 21 माला मंत्र जाप करना है, खड़े होकर 10 दिन तक 21 माला और अगले 11 दिन तक 51 माला, ये इसका नियम है। पहले 10 दिन तक केवल 11 माला, 21 माला और अगले 11 दिन, कुल 21 दिन का प्रयोग है, 10 और 11 दो अलग अलग टुकड़े में बंटा हुआ है। 10 दिन तक खड़े होकर के 21 माला मंत्र जाप करना है और अगले 11 दिन तक 51 माला मंत्र जाप करना है उस दिव्य माला से।